नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक स्वीकृति या दर्जा कब मिला? तो मिला है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिली है। दोस्तों इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को अखंड देश के रूप में देखना चाहते थे और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक स्वीकृति 31 अक्टूबर 2019 को दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो इसमें 22 जिले हैं। वर्तमान में 22 जिले अब हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में पीओके आधिकारिक जो पीओके है पाकिस्तान का पीओके क्षेत्र, उसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें 2 जिलों को शामिल किया गया है, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। ये 2 पीओके के ज़िले हैं जिनको जो केंद्र सरकार का नया नक्शा जारी हुआ है उसमें पीओके के 2 जिलों को शामिल किया गया है भारत के नए नक्शे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें 2 जिले हैं, पहला है लेह और दूसरा है कारगिल। इसमें 2 जिले हैं लेह और कारगिल, जो कि लेह सबसे बड़ा ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है लेह, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि लेह सबसे बड़ा है और सबसे छोटे की बात करें तो यह है माहे है, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है माहे, जो कि पुडुचेरी में है। ये 9 वर्ग किलोमीटर में है बस। और अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो यह दिव्य नगर धारी जो कि अरुणाचल प्रदेश में ये ज़िला है, यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले जो उप राज्यपाल नियुक्त हुए हैं ये कौन है? तो जो जम्मू कश्मीर में अब जो सबसे पहले उप राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख के पहले उप राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो लद्दाख के हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख के जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो हैं राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उप राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों ये हो गए 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 थे लेकिन अब 2, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई है टोटल 9 हो गई है, जिसमें से 2 तो हमने बता दिया कि उपराज्यपाल इस समय कौन है, जैसे जम्मू कश्मीर में हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर। लेकिन जो और पहले से केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के प्रशासक और उपराज्यपाल कौन है उसके बारे में बता देते हैं आपको। तो लक्षद्वीप के प्रशासक कौन हैं? तो यह हैं दिनेश्वर शर्मा हैं यहाँ के इस समय के उपराज्यपाल। और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, कुछ इसके 2-3 पहले की वीडियो में। देखते हैं अगला, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, ध्यान दीजिएगा यहाँ दादर नगर हवेली जो है और दमन दीव यहाँ दोनों जगह के एक ही प्रशासक होते हैं। तो ये दोनों प्रशासक यहाँ दोनों जगह के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हैं? तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल दिल्ली के
उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडुचेरी के उपराज्यपाल कौन हैं? तो पुंडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन हैं? तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल इस समय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये तो हो गया आपके उपराज्यपाल और प्रशासक, अब फिर से देखते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें से लद्दाख सबसे बड़ा, और सबसे छोटे की बात करें तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दिल्ली है, और सबसे छोटा भी लक्षद्वीप ही है। तो देखिएगा यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो है लद्दाख, लेकिन जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो है दिल्ली। जो फिर से देखिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है लद्दाख सबसे बड़ा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से है दिल्ली, लेकिन जो सबसे छोटा दोनों में क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि दोनों से जो है सबसे छोटा है वो है लक्षद्वीप सबसे छोटा जिला है, सॉरी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राज्य से विधान परिषद है? जो इस समय भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में जो विधान परिषद है वो कितने राज्यों में है? तो अभी 6 राज्यों में बचा हुआ है, जिसमें से अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से राज्य छीन लिया गया है, तो जम्मू कश्मीर से विधान परिषद खत्म कर दी गई है। अब यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में अभी विधान परिषद जारी है या लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है? जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो जो लद्दाख की सीमा है वो दो एक राज्य से लगती है, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख की जो राज्य सीमा है वो लगती है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है वो 2 राज्यों से लगती है, पहला आपका हिमाचल प्रदेश है और दूसरा पंजाब है। लेकिन अगर पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितने राज्यों से लगती है, तो इसमें होगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, 2 तो हो गए, लेकिन लद्दाख भी जम्मू के बगल में ही है, तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के बगल, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये तीन राज्यों से जम्मू कश्मीर की सीमा लगेगी या जुड़ेगी। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लद्दाख की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। लद्दाख जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने देशों को टच करता है, स्पर्श करता है, या कितने देशों के साथ उसकी सीमा जुड़ती है या स्पर्श करती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कितने देशों से, तो यह 3 देशों के साथ अपनी सीमा जोड़ता है, 3 देशों के साथ अपनी सीमा जोड़ता है या लगाता है। तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, यह तीनों देश जो हैं वो लद्दाख को स्पर्श करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको एक बार फिर से हम रिवीजन आपको करवा देते हैं, जिसमें से सबसे जो आदि ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की स्वीकृति जो मिली वो कब मिली? हालांकि जो धारा 370 और 35 से है ये घटा दी गई थी।
एक मिनट, तो ये था आपका कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित जो प्रदेश मिले जो बने हैं वो आधिकारिक स्वीकृति उनको कब मिली थी। तो ये था 31 अक्टूबर 2019। और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है कि यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जिलों की संख्या आपसे ज़रूर पूछ सकता है वो। तो इसमें आपके जो ज़िले होंगे वो होंगे 22। और जो जम्मू कश्मीर के नक्शे में POK के आधिकारिक ज़िले आपसे पूछ सकता है तो दो ज़िले होंगे आपके, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। ये दो ज़िले POK के हैं जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो ज़िलों की संख्या है वो कितनी है। तो लेह जो है और कारगिल ये दो हैं जिसमें से आपको से पूछ सकता है फिर कि जो वर्तमान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो लेह है, ये तो आपको आपको हमने पहले बता दिया है। तो बस ये थे आपके कुछ करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।